ताजमहल का इतिहास। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दंत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां, 1628 में 1658 तक शासन किया गया। शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए शुरू किया गया था। ताजमहल 7 अजूबों में से एक क्यों है, चलिए हम आपको बताते हैं। इसे कई लोग मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण और भारत के समुद्र इतिहास का प्रतीक मानते हैं। ताजमहल एक वर्ष में 6 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करता है और 2007 में इसे विकसित के नए 7 अजूबों में से पहले का विजेता घोषित किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।